नमस्कार दोस्तों, यदि आप बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग को यूज करते थे तो अब उसको अपडेट कर दिया गया। देखिए, पहले आपको इस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग का लोगो देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन इसको अपडेट करके देखिए, अब इस प्रकार से बनाया गया। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अपडेट कर दिया गया है, इसमें कुछ नई नई सर्विस भी ऐड कर दी गई है। आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा वो भी बिना ATM कार्ड के, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे चले जाना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा देखिए बैंक ऑफ इंडिया, हम सर्च किए हुए। जैसा आप सर्च कीजिएगा आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल मोबाइल ऐप, आप देख पाओगे जिसका कि नाम है BOI मोबाइल। इसका नाम चेंज नहीं किया गया, केवल लोगो और सर्विसेज को ऐड किया गया, नया इंटरफेस बनाया गया। जैसा आप इसको ओपन कीजिएगा, देखिए मेरा पहले से इंस्टॉल किया है, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। जब ओपन कीजिएगा तो फिलहाल इसका इंटरफेस इस प्रकार से बनाया गया, देखिए ओमनी न्यू बैंक भी इसका नाम दिया गया। यहाँ से आपको इसका पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मेरे फ़ोन में बैंक ऑफ इंडिया का पुराना वाला भी एप्लीकेशन है जिसको कि हम पहले से इस्तेमाल करते थे, चलिए आपको वो भी हम दिखाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे ये पुराना वाला है और ये बिल्कुल न्यू वाला है। जब आप प्ले स्टोर पर जाइएगा सर्च कीजिएगा तो पहले जो इस प्रकार से लोगो मिल रहा था अब ये वाला नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला एप्लीकेशन फिलहाल अभी काम कर रहा है। देखिए पहले इसी प्रकार से इंटरफेस मिलता था, बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर MPIN डाल के लॉगिन करते होंगे। ये फिलहाल वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये वर्क करना बंद कर देगा क्योंकि न्यू वाले में सभी सर्विसेज ऐड हो जाएंगे। फिलहाल सभी सर्विसेज अभी आपको नहीं मिलेगा, इसका पहले चलिए आपको रजिस्टर करके दिखाते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, आप किस लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। हम अंग्रेजी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो उसके बाद नीचे में आपको टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, आपको इसको ऐसे करना होगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जैसे आपको अलाउ करके OTP देखिए ऑटोमेटिक इसमें फिल हो चुका है। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करके आपको OTP वेरीफाई करा लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको दो ऑप्शन फिर से मिलेगा, देखिए पहला ऑप्शन आपको मिलेगा आई वॉन्ट व्यू ओनली राइट, अर्थात यदि आप तो यहाँ से आप केवल अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ATM पिन नहीं बना सकते, चेकबुक अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए। यदि आप यहां से मनी ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हैं इसके लिए आपके पास एक ATM कार्ड होना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया का, तभी आप यहां से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बिना ATM कार्ड के यदि आप इसको एक्टिवेट कीजिएगा तो आप केवल अपने अकाउंट का वही बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल ATM कार्ड है, यदि आपके पास ATM कार्ड होगा देखिए आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड का, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे आपको अपने डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल फिलअप करना होगा, देखिए पहले बोल रहा है डेबिट कार्ड का नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, उसके बाद कार्ड पिन अर्थात जो कि ATM कार्ड का पिन होगा वो डालना होगा, उसके बाद जैसे आपको वेरीफाई करा लेना होगा। चलिए आपको डाल करके दिखा देते हैं। अपना पूरा डिटेल डालने के बाद फिर आपको वेरीफाई कार्ड डिटेल के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ से वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से बोल रहा है सेव करना चाहते थे, हम यहाँ से नोट नो के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए बोल रहा है कंग्रेचुलेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब आपको यहाँ से अपना पिन बनोगा, अर्थात इसमें लॉगिन करने के लिए और किसी को मनी ट्रांसफर करने के लिए पिन बनोगा, दो पिन, एक लॉगिन पिन एक टी पिन। तो बनाने के लिए आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा सेट MPIN, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी अपना पिन रखना चाहेंगे हम यहाँ से वो पिन बना लेंगे। नीचे फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से देखिए बोल रहा है री इंटर MPIN, तो दोबारा से वही MPIN डाल देंगे। उसके बाद सेट MPIN के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से मेरा MPIN अब सेट सक्सेसफुल हो गया, आप देख पाएंगे यहाँ से MPIN जनरेट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या आप बायोमेट्रिक को इनेबल करना चाहते हैं, यदि हाँ तो आपको यस इनेबल के ऊपर क्लिक करूँगा, अदरवाइज नो तो हम यहाँ से नो को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको समझ के इसका इंटरफेस इस प्रकार से आइकन मिलेगा, यहाँ से आपको कुछ नोटिफिकेशन के लिए परमिशन मंगा जाएगा, आप यहाँ से स्किप कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, तो आपको अपना MPIN डाल करके इसमें लॉगिन करना होगा, जो कि आप अभी अपना MPIN बनाया। जैसे आपने MPIN डालेगा तो इसमें आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाइएगा, आप यहाँ देखो हम इसमें सक्सेसफुल लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद देखिए आपको अपना पिन बनाओगे, अर्थात फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए आप कौन सा पिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको यहाँ से कुछ ऑप्शन मिलेगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है ID पासवर्ड, उसके बाद MPIN, उसके बाद बायोमेट्रिक, अर्थात आप फिंगर लगा करके यदि आपके फ़ोन में फिंगर का इनेबल ऑप्शन है आप यहाँ से उसको भी इनेबल कर सकते हैं। आपको नीचे कुछ और ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि डेबिट कार्ड का पिन, जो आपका ATM कार्ड का पिन है आप उसी के माध्यम से मनी ट्रांसफर वगैरह करना चाहेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप मोबाइल OTP अर्थात जब भी आप मनी ट्रांसफर करने के लिए जाइए आप चाहते हैं कि OTP के माध्यम से हम किसी को फंड ट्रांसफर करें तो आप इसको यहाँ से इनेबल रहने दीजिएगा।
या फिर आप जो अभी अपना एम पिन बनाया उसको रखना चाहते आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करिएगा। हम फिलहाल एम पिन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेव एंड चेंज को क्लिक कर लेंगे। यहाँ से देखिए बोल रहा है सिक्योरिटी परफेक्ट सेट सक्सेसफुल, यहाँ से आप मेरा एम पिन और टी पिन दोनों बन चुका है, यहाँ से ओके ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसमें सक्सेसफुल लॉगिन कर दिएगा तो आपके सामने अब इस प्रकार से इसका इंटरफेस मिलेगा, आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे पहले किस प्रकार से मिलता था। चलिए आपको पुराने वाले एप्लीकेशन से दिखाते कितना अंतर है पहले की अपेक्षा अब में। इसमें भी हम लॉगिन फिलहाल कर लेते क्योंकि ये अभी फिलहाल वर्क कर रहा है, कुछ दिन के बाद ये वर्क करना बंद जाएगा क्योंकि फिलहाल इसमें कोई भी अपडेट अभी तक हम नहीं किए हैं। आप देखोगे पहले आपको सामने इस प्रकार से इंटरफेस मिलता था बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग का, जैसे कि आप यहाँ से फंड ट्रांसफर करते होंगे आईएमपीएस के माध्यम से करते होंगे यहाँ से, उसके बाद एम पासबुक का इस्तेमाल यहाँ से करते होंगे। लेकिन देखिए अब आपको इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे बिल्कुल इंटरफेस चेंज कर दिया गया, इसमें कुछ नई नई सर्विसेज भी ऐड की गई है। सबसे पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते देखिए आपको आई का आइकन मिलेगा, आप जिसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है यहाँ बैलेंस शो हो जाएगा। देखिए मेरा बैंक ऑफ इंडिया में दो अकाउंट है, दोनों का बैलेंस यहाँ में शो हो रहा है। उसके बाद आपको कुछ और डिटेल चेक करो तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर आपका ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। और नीचे में आपको कुछ और ऑप्शन मिलेगा, देखिए अकाउंट सर्विस का, उसके बाद स्टेटमेंट का, सर्टिफिकेट का, यदि आप अकाउंट सर्विस में क्या क्या मिल रहा है, जैसे आप इसके ऊपर यहाँ से क्लिक कीजिएगा आपको देखिए पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ से आप चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कितना मेंटेनेंस करना आप वो चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप डिपॉजिट स्लिप ले सकते हैं, आपको बहुत सारा सर्विस इसमें मिल जाएगा क्योंकि नई नई सर्विस इसमें ऐड की गई है, और भी नई नई सर्विस इसमें फिलहाल ऐड करेंगे, इसको फिलहाल ही अपडेट करके इस प्रकार से बनाया गया है। यदि आपके मन में और कोई कन्फ्यूजन कोई सवाल है कि हम इस सर्विस का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे फंड ट्रांसफर करें, कैसे एटीएम पिन बनाए, कैसे एटीएम कार्ड अप्लाई करें, आप यदि किसी और सर्विस के ऊपर वीडियो चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।